हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर, जो इडली के साथ भी खाया जा सकता है और डोसे के साथ भी खाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सांभर बनाना। पहले हम देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। हमने ली है अरहर की दाल एक बाउल, ये मैंने लौकी है एक छोटी लौकी ली है मैंने, और एक बैंगन लिया है। आप चाहें तो और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, ये मुझे पसंद है तो मैंने ये ऐड की। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम कुकर में दाल ऐड करेंगे। ये मैंने दाल धो दी है, अब इसमें और वेजिटेबल ऐड करेंगे जो हमने कट की है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, किसी को सांभर थिक पसंद होता है किसी को। मैंने यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट डाल सकते हैं, एंड नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसे ढककर गैस चढ़ा देंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे। हमारे सांभर में हमने कुकर में 4 सीटियां लगा दी हैं और ये अब तैयारी करते हैं हमने तड़के की। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 प्याज, टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं, करी पत्ता लिया है, ये सांभर मसाला है, ये 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, सांभर मसाला मैंने 2 चम्मच लिया है, और 1 छोटा चम्मच राई, और थोड़ा सा मैंने इमली का पानी लिया है, क्योंकि सांभर जब तक खट्टा ना हो तो टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें अगर इमली के पानी से अगर खटास लाएँ तो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तड़का लगाना। हमने कढ़ाई ली है और उसमें हम तेल ऐड करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें ये राई ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता जो हमने लिया था। मैं ये प्याज जो कट की है इसे फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी अनियन हो गई है और इसमें टमाटर ऐड करेंगे हम। हम इसमें टमाटर में थोड़ा नमक ऐड कर देंगे जिससे ये अच्छे से गल जाए। बस थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हमने सांभर में नमक डाला है, कहीं तेज ना हो जाए। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें स्ट्रेनर की हेल्प से ये जो हमारी कटेड वेजिटेबल है ये डालेंगे। वेजिटेबल ये बॉयल होके ऊपर ही रहती है तो इसे निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती।
ये हमने वेजिटेबल्स में ऐड कर दिया। अब हम इसे चमचे की हेल्प से बिल्कुल बारीक कर देंगे ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये आप देख रहे हैं, मैशर हो तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये हमारे हो गई है बिल्कुल बारीक। अब हम इसमें अपना सांभर मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला। अब हम इसमें ये अपना जो ये जिसमें छाना है ये पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब जब ये इसमें बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें ये इमली का पानी ऐड कर देंगे। देखिए ये बॉईल हो चुकी है, अब हम इसमें ये अपना इमली वाला पानी ऐड कर लेंगे। आप इसमें ड्रम स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। अपनी गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए रेडी है हमारा सांभर, इसे आप डोसे के साथ इडली के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसे डोसे के साथ खाना चाहते हैं तो डोसे की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की है, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।